पंचांग के अनुसार हर साल माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2023 में 26 जनवरी दिन गुरुवार को माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। बसंत पंचमी उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार हिंदुओं का है। कुछ हिंदू इस त्यौहार को सरस्वती पूजा के नाम से भी जानते हैं। देवी सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है क्योंकि प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बसंत पंचमी त्यौहार देवी सरस्वती को समर्पित त्यौहार है, जो ज्ञान, भाषा, संगीत और सभी कलाओं की देवी है। इस त्यौहार पर महिलाएं पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और पीले रंग के व्यंजन बनाती है। भारत में पूरे साल को 6 मौसमों में बांटा जाता है, जिसमें से बसंत सबका प्रिय मौसम होता है। इस महीने में खेत सरसों के पीले रंग के फूलों से भर जाता है। बसंत पंचमी को होली के त्यौहार की तैयारी का प्रतीक भी माना जाता है, जो कि इसके 40 दिन बाद आती है। बसंत पंचमी में विष्णु और कामदेव की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी का उल्लेखित किया गया है। पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से बसंत पंचमी का उल्लेख मिलता है। तो चलिए जानते हैं बसंत पंचमी 2023 का महत्व। मान्यता है कि सरस्वती की पूजा करने से संगीत, कला और विज्ञान में निपुणता हासिल होती है और बुद्धि श्रेष्ठ प्राप्त होती है। यही नहीं, सुस्ती, आलस्य और अज्ञानता भी दूर होती है। इस दिन बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत की जाती है। ज्योतिष शास्त्रों में बसंत पंचमी के दिन को अबूज भी कहा जाता है। इस दिन सभी अच्छे दिन की शुरुआत की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से भी वह सफल होता है। तो अब जानते हैं बसंत पंचमी कथा। प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्य की रचना की थी, परंतु ब्रह्मा जी अपने रचना से संतुष्ट नहीं थे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब विष्णु ने उनके समक्ष प्रकट होकर के ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या विष्णु जी के सामने रखी, परंतु विष्णु जी के पास उनकी समस्या का हल नहीं था। इसलिए दोनों ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। तब दुर्गा माता प्रकट हुई और उनकी समस्या के हल के लिए अपने शरीर में से देवी सरस्वती को प्रकट किया। तभी से सभी जीवों की वाणी प्राप्त हुई और इस प्रकार देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। तो बताइए मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही ज्योतिष संबंधित, तीर्थों, धाम और सनातन संस्कृति संबंधी जानकारी लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।